हेलो गाइस, माय नेम इज राज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गाइडेड पाथ। सो गाइस, एज यू ऑल नो दैट वी आर हेयर फॉर स्टडिंग मेंटल एबिलिटी फॉर मेन पर्पस इज कवरिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो यस, आई नो आई एम वेरी लेट एट दिस बिकॉज माय लास्ट वीडियो इज अबाउट 10 to 12 डेज पास्ट। सो सॉरी फॉर दैट। सो यस, वी आर हेयर टू कवर average and this is basically part 2 of that particular topic. So part 1 is all about we can say it is all about the concepts and that was all about the formulas. So the main formula of average is all about sum of observation upon the number of observation. I am not denying the fact that many places are, तो बहुत जगहों पर ऐसा क्या होता है ना कि आप फंस जाते हो और आपको क्या करना पड़ता है कि फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, देन वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। बट इफ़ यू नो द फॉर्मूला, देन यू नो डैट द फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर इज 50 ओनली। ठीक है, so if you know this then there is no problem, and there are some places where you can find a question paper that find the average of first 100 natural number. So आपको वहाँ पे formula याद करने पड़ेंगे and हमने सारे formula लिखवा रखे हैं, but in competition, in many high competition exams, these formula are of no use because they know that you know the formulas, so they will catch you in other things. They will catch you in your mental strength and many things, because mental ability itself defines that if your mental strength is good, then only you can qualify their exam. So yes, we are here to cover quantitative aptitude, and within quantitative aptitude we are covering average for now. Okay, so so today's class is all about questions. So questions, SSC, CHSL 10+2 exam, and there are 2 or 3 or maybe 4 questions related to PCS and SSC also is there. So please attend the whole class. You will find many interesting questions which may help you in increasing your mental strength and increase your probability to be selected in any exam whichever you are for studying picture. So insert any question. So last question से start करते हैं अपन. So first question is, a shop of electronic goods is closed on Monday. सो जो एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, मतलब आप कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी की भी दुकान मान सकते हो, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिक माननी, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट दिस इज क्वेश्चन ऑफ एसएससी रिजल्ट 2015. सो शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज क्लोज ऑन मंडे, द एवरेज डेली सेल्स फॉर रिमेनिंग सिक्स डे ऑफ अ वीक इज इतना, एंड द एवरेज सेल ऑफ ट्यूजडे टू सैटरडे इज इतना, द सेल ऑन संडे इज. सो आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिंपल. सो मंडे को शॉप क्लोज रहती है, मंडे को छुट्टी होती है उनकी, बाकी सबका काम होता है. वीकडे में कौन छुट्टी करता है भाई, कोई बात नहीं, अलग अलग रूल्स हैं. सो हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे. सो द एवरेज, सो एवरेज का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6, बिकॉज 6 डेज की बात हो रही है ना, 6 डेज की बात हो रही है, और एवरेज आपको दे रखा है 15,640 into 6. मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर गुड एट बेसिक मैथ्स, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल की साइन कहाँ चेंज होता है, क्या क्या होता है, तो आपको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको वो पता है. ठीक है, सो आपको ये क्या मिल गया, आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, फॉर ट्यूजडे प्लस ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे प्लस संडे. ठीक है, तो इन 6 दिन का आपको ऑब्जर्वेशन मिल गया, कितना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितना पैसा कलेक्ट होता है, वो एक तरह से मिल गया आपको.
और क्या करना है आपको, आपको बताना क्या है सेल ऑन संडे, तो संडे की सेल बतानी है आपको, और ट्यूसडे टू सैटरडे का भी दे रखा है, ट्यूसडे टू सैटरडे का आपको सेल दे रखा है 14124, ये एवरेज है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा अपॉन में नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5 बिकॉज ट्यूजडे टू सैटरडे इज 5 डेज ओनली, सो 14124, 14124 इंटू में 5, इंटू में 5 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हेयर मीन्स ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे ओनली, बिकॉज संडे का आपको निकालना है और संडे तक का ऑब्जर्वेशन दे भी नहीं रखा। सो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड माइनस करना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो करके देखें, अगर आपको नहीं आता है मल्टीप्लाई करना भी, सो यस आई कैन डू इट फॉर यू, नो प्रॉब्लम। सो मल्टीप्लीकेशन 0, 24, 4, 2 कैरी, 38, 3 कैरी, 33, 3 कैरी एंड 9, माइनस 20, 0, 2 कैरी, 12, कैरी 1, 6, 20 एंड 7, सो यू कैन माइनस इट, 9, 3, 8, 4, 0, माइनस 7, 0, 6, 2, 0, 0, 2, 2, 3, 2, सो इफ दिस इज अपियर, सो यस दिस इज द आंसर। ठीक है, सो आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो मैंने क्या किया, आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एवरेज का फॉर्मूला लगाया जो कि मैंने आपको ऊपर मेंशन कर रखा है। सो एवरेज का फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, मनी। सो जो 6 डेज में मनी कलेक्ट हुई वो कितनी हुई, एवरेज इंटू 6 डेज, और जो 5 डेज में कलेक्ट हुई वो एवरेज इंटू 5 डेज, एंड दोनों को माइनस किया तो हमें संडे का पता चल गया कि कितने पैसे कलेक्ट होते हैं। ओके, सो 168 इज योर होमवर्क, इफ यू कैन डू दिस फॉर मी प्लीज डू डू इट, एंड प्लीज टेल मी द आंसर इन कॉमेंट बॉक्स, प्लीज टेल मी, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू, बट मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, आप ही का फ़ायदा है, तो प्लीज़ कर लेना एक बार। सो SSC का क्वेश्चन है, सो प्लीज डू इट, पिक्चर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 6 नंबर्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 6 नंबर आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 30 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 25, सो हमें डिफरेंस निकालना है फर्स्ट और लास्ट नंबर में। ठीक है, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उसे क्या कर रखा है, अरेंज कर रखे हैं, कितने नंबर, 6 नंबर्स। सो क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, प्लीज़ एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तो आएगा ना, ट्राई करो देन आपको आएगा, सिर्फ ऐसे शो ऑफ करने के लिए नहीं कि भाई मुझे सिर्फ देखना है और फिर मैं दूसरों से पूछूंगा, उनकी बेइज्जती करूंगा, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है आपको, प्लीज़ डू इट सिंसियरली। सो 6 नंबर्स हैं, तो ए बी सी डी ई एंड एफ, सपोज़ कि ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ए मतलब फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट 5 नंबर का जो हमें एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 30, कितना दे रखा है 30, सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो दिस इज बाय नाउ SO मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड NO मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो आई एम यूजिंग SO एंड NO ओनली, इफ रिक्वायर्ड देन आई एम राइटिंग होल, बट अदरवाइज आई एम राइटिंग ओनली SO एंड NO, सो एवरेज इज 30, एवरेज इज 30, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5 बिकॉज 5 नंबर है, तो 5 नंबर, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 150, ओके इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस। सेकेंड ऑफ सेकेंड आपको क्या दे रखा है केस, आपको दे रखा है कि लास्ट 5 नंबर्स का है ना, लास्ट 5 नंबर्स का, तो उसका भी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो लास्ट 5 का जो एवरेज है वो 25 है, और जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, 5, सो ये क्या हो जाएगा, 125 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो जो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, दूसरे तरीके से मीन्स ये क्या है, फर्स्ट 5 नंबर, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एंड दिस 125 मीन्स सम ऑफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ,
ओके सो दिस विल बी, सॉरी ये क्या है, 150 है, ठीक है। सो ये क्या है हमारी फर्स्ट, ये क्या है सेकंड। सो आई कैन, अगर मुझे वन, क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी गाइस फॉर दिस मिस्टेक्स, आई डोंट नो हाउ कैन आई फिक्स दिस, बट नो प्रॉब्लम, हमें क्वेश्चन से मतलब है। सो अगर मुझे ए माइनस एफ निकालना है, सो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं वन में से सेकंड माइनस करूँगा तो मेरे पास वो आ जाएगा। सो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 150 माइनस 125, एंड देन दिस माइनस इज मल्टीप्लाइंग इन एवरी प्लस। सो वन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ इज इक्वल टू 25, एंड यू विल अल्टीमेटली कंफिगर डेट कि ये प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई विल कैंसल आउट फ्रॉम माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई, देन यू विल हैव ए माइनस एफ इज इक्वल टू 25। सो दिस विल बी योर अल्टीमेट आंसर 25, एंड द ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये हैंड रिटन इसलिए है क्योंकि जहाँ से मैंने दिया था वहाँ पे ये नहीं था, ठीक है। सो हैंड रिटन इसलिए, ये नो प्रॉब्लम, ये एसएससी का 2015 का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो कैसा लगा क्वेश्चन पहले ये बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन ये बताना, उसके बाद बताना अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बता देंगे हम। तो 5-6 नंबर थे जिनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, ए बी सी डी ई एफ, हमने वो लेट कर दिया। कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी के अलावा कुछ भी, पी क्यू आर एस टी यू वी, कुछ भी, एवरी थिंग, यू कैन फाइंड एनी थिंग। तो ए बी सी डी ई का हमें एवरेज दे रखा था 30, एंड बी सी डी ई एफ का एवरेज दे रखा था हमें 25। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाया हमने, सिंपल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला, एंड ए माइनस एफ हमारा अल्टीमेटली आ गया, ठीक है। सो कोई हार्ड नहीं था इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट पिक्चर्स। इसे यहाँ लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे शायद मेरी फोटो आएगी, सो डेट्स वाई बहुत से लोग देख नहीं पाएंगे, फिर मुझे गाली देंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट इज एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जाम 2015, एंड अदर वन इज ऑल्सो फ्रॉम द एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्जाम 2015। सो द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15, सो एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इज 14, देन द एवरेज ऑफ द रेस्ट इज आपको निकालना है, ठीक है गाइस। तो आपको निकालना है, यही निकालना है कि साइड में, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसलिए। सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपका यही फार्मूला काम करेगा पूरी वीडियो में, और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा मैं कि आपको लगेगा कि भाई यही फार्मूला था और इतना सारा हो गया, बट मैंने बताया कि ये फैक्ट है कि बहुत जगह आपको फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको याद करना ज़रूरी है, बट इस फार्मूले को भी बहुत ज़रूरी है याद रखना और इसको यूज़ करना। सो द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15, सो एवरेज इज 12 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हमें निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15, सॉरी उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम आएगा क्योंकि एवरेज क्या है 15 है और नंबर्स कितने 12, तो अगर मैं इंटरचेंज भी करूँगा तो मल्टीप्लाई ही तो होगा। सो 180 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो 180 क्या हो गया हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला, फर्स्ट टू का एवरेज भी दे रखा है आपको अलग से, फर्स्ट टू का एवरेज कितना दे रखा है हमें 14, कितना दे रखा है 14। तो फर्स्ट टू का एवरेज अगर इतना है तो उसका सम कितना होगा, सो फिर से एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इट इम्प्लाइज दैट एवरेज इज व्हाट 14, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2 क्योंकि फर्स्ट टू की बात हो रही है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 28 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आपको रेस्ट निकालना है, मतलब आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बचेंगे लास्ट में 10, क्योंकि आपको रेस्ट का निकालना है, मतलब 12 में से 2 चले गए तो बचे कितने 10, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको 2 का पता है और 12 का पता है तो 10 का निकाल सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 2 वाले माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाएगा, तो एवरेज हमारी आ जाएगी यहाँ से बहुत आसानी से आ जाएगी ना। सो एवरेज इज
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इट इज इक्वल टू 152 अपॉन में 10 एंड दिस विल इज इक्वल टू 15 एंड 10। ठीक है, और ये हम बात करें किस तरीके से हो सकती है 15.2। सो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन है उस तरीके से आपको आंसर पे टिक करना है। ठीक है, सो देख लेते हैं। सो इसमें से तो किसी तरीके से नहीं है, बट द आंसर इज बी, बिकॉज ये क्या आएगा अल्टीमेटली 5 × 15 इज 75 एंड प्लस 1 इज 76 अपॉन में 2 एंड ये इक्विवेलेंट है किसके 552 अपॉन में 10 के। सो आपको क्वेश्चन किसी मतलब आपको ऑप्शंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बट आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा किस फॉर्म में है किस में है। अगर आपको डेसिमल फॉर्म में तो डेसिमल फॉर्म में लिखो, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। सो इट विल डिपेंड एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंगली टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई वॉन्ट टू गिव दिस फॉर योर होमवर्क, बट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, समझा देते हैं उसके बाद तो हो ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज 1200 एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स इज 1300। ही सेव्स 2900 इन दैट ईयर पर्टिकुलर ईयर हिज मंथली सैलरी मतलब मंथली एवरेज इनकम। सो आपको पहले 5 महीने का खर्चा दे रखा है 1200 रुपये प्रति माह मतलब प्रति पर मंथ एंड आपको नेक्स्ट 7 मंथ्स का एक्सपेंडिचर दे रखा है क्या 1300 पर मंथ। तो आपको सेव कितना करना है और आप उसने सेव कितना किया 2900 उस साल में, तो उसकी जो एवरेज इनकम होगी वो क्या होगी। सो क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना हार्ड नहीं है बट फिर भी ठीक है क्वेश्चन मतलब आंसर। ठीक है, सो फर्स्ट फाइव मंथ्स जो उसकी एवरेज एक्सपेंडिचर था वो कितना था 1200। तो एवरेज क्या हो जाएगा उसका 1200 मींस जो उसने खर्चा किया टोटल वो कितना किया, अगर एक मंथ में 1200 किया है तो 5 मंथ में कितना किया होगा 6000। सिंपल बेसिक मैथ्स। और उसी अगर 7 लास्ट मंथ की बात करें तो लास्ट मंथ उसका एवरेज क्या था 1300। ठीक है, तो अगर एक मंथ में 1300 है मतलब एवरेज मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में 1300। ठीक है, तो जो 7 मंथ्स का होगा वो कितना होगा 9100 है ना। तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर इट विल इक्वल टू 6000 प्लस 9100। सो 6000 9000 तो 15100 इज द टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गए प्लस उसने सेविंग्स भी की थी कितनी 2900 की, सो इट विल इक्वल टू 18000। सो 18000 उसकी सैलरी थी पर ईयर की, तो बहुत कम नहीं है, बट हमें क्वेश्चन के व्यू से देखना है तो हम उसे नहीं देखेंगे क्या कम थी क्या ज़्यादा थी, हमारा फूफा थोड़ी है वो। ठीक है, सो 18000। ठीक है, 18000 अगर आपको पता है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हेयर मीन्स सम ऑफ सैलरीज। ठीक है, सम ऑफ सैलरीज क्योंकि पर मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, 18000 हो जाएगा वो अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अबाउट 12। सो एवरेज इनकम बिकम्स 1500, एवरेज इनकम बिकम्स 1500। सो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। Okay, any doubts regarding the question you can send me on my mail or anywhere you want to send me. My mail is guptag85120@gmail.com. You can send me here. Okay, you can send me here any question which you want to tell me about the topic only. Okay. जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताना मैं जरूरी नहीं समझता। सो क्वेश्चन हो जाए, सो दिस इज इन एसएससी 2006 एग्जाम, दिस इज इन एसएससी 2006 एग्जाम। सो प्लीज डू इट फॉर मी, इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू ऑल, प्लीज डू इट फॉर मी, चैलेंज है आप सबके लिए। प्लीज डोंट यूज इंटरनेट, डोंट यूज एनीथिंग, Try it your own. अगर नहीं आता तो प्लीज मेल मी, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू माय मेल आईडी। ओके, सो डू इट फॉर मी,
सो लेट्स डू वन मोर पिक्चर. सो SSC 2005 अगेन. SSC 2005. सो द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज डिक्रीज by 2 months when two of them aged 17 and 20 years are replaced by two young new players. So हमें एवरेज निकालना है, एवरेज नहीं निकालना है, एवरेज निकालना है. सॉरी आई एम बिट कन्फ्यूज कैसे समझाऊँ आपको. सो हमको क्या करना है, बेसिकली एवरेज निकालना है किनका, दो प्लेयर्स का जो कि नए आए हैं और दो रिप्लेस किए हैं उन दो न्यू प्लेयर्स ने. तो उन दो जो रिप्लेस किए हैं उनका तो हमें पता है 17 और 20 years, but हमें जो न्यू आए हैं उनका हमें नहीं पता, तो उनका हमें निकालना है. ठीक है, सो देख लेते हैं हम कैसे क्या होगा इसमें. सो 11 प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट टीम में, एवरीवन नोज दैट इन इंडिया, बिकॉज इन इंडिया क्रिकेट इज लाइक फेस्टिवल बोलते हैं ना सब. तो 11 प्लेयर की जो एवरेज थी वो डिक्रीज हो गई बाय 2 months. ठीक है, तो एवरेज डिक्रीज हुई है मतलब एक प्लेयर की 2 month कम हो गई है क्या एवरेज एज. तो अगर एक प्लेयर की एज 2 months डिक्रीज हुई है तो 11 प्लेयर्स की कितनी हुई होगी, 22 months बेसिकली. ठीक है, सिंपल है. तो ठीक है, इतनी हुई होगी. और जो गए हैं दो, जो दो गए हैं छोड़ के टीम को, जो गए हैं दो टीम को छोड़ के, वो क्या हैं, 17 ईयर्स प्लस 20 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, तो इनकी एवरेज नहीं है, ये एक तरह से एज ही है. एज थी इनकी 17 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 37 ईयर्स. ठीक है, 37 ईयर्स. तो और हमें क्या निकालना है, जो कि न्यू टू प्लेयर्स आए हैं उनका एवरेज एज, इनका एवरेज एज निकालना है. एवरेज एज जो कि क्या होगा, सम ऑफ एज अपॉन में नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो नंबर ऑफ प्लेयर्स वी नो इज टू, बट सम ऑफ एज कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ एज कैसे निकलेगा. देखो, अगर जो 11 प्लेयर हैं उनकी जो एवरेज एज थी वो 2 months डिक्रीज हो गई है विच इज 22 months. तो अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ एजेस आ जाएगा जो न्यू प्लेयर्स थे. 37 ईयर्स माइनस, अगर इसको हम ईयर और मंथ में चेंज करेंगे तो 1 year और 10 months आ जाएगा. तो इसको अगर हम 1 year और 10 months से माइनस करेंगे तो इट विल इक्वल टू 35 years 2 months. सो ये क्या आ गया, सम ऑफ एज आ गया हमारे पास. एक तरह से हम बात करें क्या आ गया, सम ऑफ एजेस. ठीक है, अब क्या करना है, हमें बस डिवाइड तो करना है. हो गया काम, 35 years 2 months अपॉन में 2, तो इट विल इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू 17 ईयर्स और 7 months. ठीक है, सो 35 years 2 months अपॉन में 2, तो 35 तो डिवाइड होता नहीं है 2 से. तो मैंने क्या किया कि एक ईयर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एक ईयर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. तो क्या हो जाएगा, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो ये 14 मंथ्स हो गए और ये क्या हो गया, 34 ईयर्स. तो इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 ईयर्स आ जाएगा और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 मंथ्स आ जाएगा. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल मी नाउ, इट्स योर टर्न. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो डू इट. एंड गाइज देखो, एक मैंने एक मतलब किया था कि मैं लाइव आ रहा था, बट उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, डेट्स वाई मैंने लाइव आना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें क्या लगती है, मेहनत. ठीक है, लेकिन उसमें एक प्रॉफिट है आपका कि आपको तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया, और अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं देखूंगा फिर बताऊंगा. तो उसमें क्या है, लंबी प्रोसेस है. अगर लाइव आऊंगा तो आपको वहीं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, लाइव चैट में पूछ सकते हो कि भैया ये कैसे होगा. ठीक है, तो मैं उस समय आपको तुरंत बता सकता हूँ, आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ. ठीक है, बट ऐसे क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, तो इसलिए मैं लाइव आता हूँ. सो इफ़ यू वॉन्ट मी टू कम लाइव अगेन, सो प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन. सो एक सवाल हो जाए तगड़ा वाला PCS का. ठीक है, सो PCS का सवाल. सो आप लेवल देख रहे हो ना, PCS समझ रहे हो.
ठीक है, तो फोर तो क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 years ago, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 persons, 4 persons आर वॉज 18 years। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ बेबी वॉज बॉर्न। टुडे इफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज स्टिल 18 years, द एज ऑफ द बेबी इज। सो 4 साल पहले जो एवरेज एज थी 4 persons की, एक फैमिली में 4 persons थे जिनकी एवरेज एज थी 4 साल पहले 18 years, और उसी दौरान एक बच्चा पैदा हुआ, एक बेबी बॉर्न हुआ जिसकी, ठीक है, तो अगर आज भी उस फैमिली की एज जो है वो 18 ईयर्स ही है तो बताओ बच्चे की एज कितनी होगी। सो अच्छा क्वेश्चन है देखा जाए तो, अगर नहीं आता है तो आपके लिए बहुत टफ है, अगर आता है तो बहुत आसान है। ठीक है, सो हमें एवरेज दे रखी है, ठीक है, तो सम ऑफ एजेस अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन। सो एवरेज कितना दे रखा था हमें, 18। सम ऑफ एजेस अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे हमारे पास, 4। मैम फैमिली मेंबर कितने थे, 4। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस। ठीक है, ये 4 साल पहले की बात है, कितने की बात है, 4 साल पहले की। ठीक है, अब आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स ये जो 72 था, ये जो 72 थे सम ऑफ एजेस, ये क्या हो जाएगा, अब इसमें प्लस क्या होगा, 4 साल में तो 4 लोग हैं वो 4 4 साल बड़े हुए होंगे, मतलब जब 4 साल में 4 लोग हैं तो कितना बड़े होंगे, उनकी सबकी उम्र में 4 4 ईयर का प्लस आया होगा, मतलब प्लस हुए होंगे सारे, तो क्या हो जाएगा ये 4 × 4 प्लस एक बच्चा ही बॉर्न हो गया तो एक्स, हमें बच्चे की एज नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर एक्स। सो ये आ जाएगा हमारा क्या, सम ऑफ एजेस आफ्टर आफ्टर 4 ईयर्स। सो 72 प्लस 16 प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 88 प्लस एक्स, तो ये आ गया हमारा सम ऑफ एजेस आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर हमारे पास एवरेज क्या है, सॉरी एवरेज क्या होगा, सम ऑफ एजेस अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो एवरेज क्या हमारा 18, सम ऑफ एजेस इज 88 प्लस एक्स अपॉन में नंबर ऑफ पर्सन कर देंगे 5, क्योंकि बच्चा बॉर्न हो चुका है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 90 इज इक्वल टू 88 प्लस एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स, तो जो बच्चा था, बच्चा है वो 2 साल का है अभी, मतलब 2 साल पहले ही बच्चा बॉर्न हुआ है। ठीक है, सो 2 ईयर्स इज द आंसर। सो हाउ इज द क्वेश्चन, प्लीज प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो 4 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 persons वॉज 18 ईयर्स, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ बेबी वॉज बॉर्न। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, सो प्लीज डोंट इरिटेट मी बाय आस्किंग अगेन एंड अगेन। सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हेयर फॉर यू। ओके, सो डू वन मोर। हो चुका है ना ये, डोंट नो वेयर ऑल द क्वेश्चन कौन, सो पीसीएस पीसीएस, सो आई डोंट थिंक के क्वेश्चन बहुत हार्ड है। पीसीएस 2019, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 10, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 10, द नंबर विच शुड बी एडेड टू मेक द एवरेज 12 इज, तो 5 नंबर का जो एवरेज है वो 10 है, और हम उसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि जो एवरेज है वो 12 बन जाए। सो प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ, प्लीज आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज डू इट डू इट डू इट फास्ट, बिकॉज आई नो कि आप पॉज नहीं करोगे और ये भी क्या करोगे, आगे बढ़ा दोगे। सो प्लीज कर लो यार, ठीक है कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो येस आई एम डूइंग फॉर यू ओनली, बिकॉज मुझे तो आता है, मैं तो कर दूंगा। क्या कह रहे हैं, अरे अरे जा 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 आंसर दे, क्या है, अरे ऐसा नहीं है भाई, कर लिया, ठीक है कोई नहीं, आंसर करें आंसर। सो हमें क्या दे रखा है, एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला है हमेशा,
एवरेजेस क्या है हमारे पास, एवरेजेस 10, एवरेजेस 10, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, सो यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50, क्योंकि ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास कितना 50, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास 50। अब हमें क्या पूछा कि एवरेज हमें कितनी करनी है 12, और हम ऐसा क्या ऐड करें, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें ऐसा क्या ऐड करें जो कि क्या हो जाए एवरेज 12, और यहाँ पे 6 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एक नंबर ऐड होगा, सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बिकम 6 ओनली ना, क्योंकि पहले 5 थी प्लस एक और ऑब्जर्वेशन जुड़ गई तो ये क्या हो गया हमारा 6, समझ में आ रहा है, और एक्स ये क्या है जो हम नंबर जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 72, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कितना 50 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 22, दैट्स योर आंसर, दो नंबर आ गए आपके, वो भी पीसीएस एग्जाम में, पीसीएस मैं थोड़ा ऊपर मानता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं करना जनरली, जो कि एसएससी सीएसएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएसएल हम 12th लेवल एग्जाम है, सो उस हिसाब से हम देखते हैं उसको, पीसीएस इज अ ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू पीसीएस एंड इस पीसीएस के भी क्वेश्चन में करा रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि हाँ हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन प्लीज़ प्लीज़, अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट इट डाउन, क्वेश्चन में कुछ नहीं अगर देखा जाए तो, अगर आपने ढंग से एवरेज पढ़ा तो ये और ये सिर्फ ख़त्म, ठीक है, ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म, एक और करें पीसीएस, एक और पीसीएस देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है, इट्स अबाउट योर लक, सो यस आई एम एबल टू फाइंड पीसीएस क्वेश्चन अगेन, सो डू इट नाउ, पीसीएस 2009, सो क्वेश्चन इज 5 years ago द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी वॉज 45 years, बाई इंक्लूडिंग एक्स द प्रेजेंट एवरेज ऑफ ऑल द 5 इज 49 years, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज, सो आई एम गिविंग यू अगेन 2 minutes, प्लीज डू इट फॉर मी, आगे मत करो यार, अच्छा नहीं लगता भाई, बुरा लगता है जब मेहनत करते हैं, ठीक है प्लीज करो यार, पी सी एस का सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत ही औसम सवाल है, तो 5 साल पहले जो एवरेज एज थी ए बी सी डी की वो कितनी थी, ई नहीं बोला मैंने, ए बी सी डी की वो क्या थी 45 years, एंड बाय इंक्लूडिंग एक्स, और एक्स को जोड़ने के बाद जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो कितनी हो गई है 49 years, तो जो प्रेजेंट एज है एक्स की वो क्या होगी वो आपको बताना है, ठीक है, सो करें सवाल स्टार्ट, आंसर, और जिसको करना होता है ना वो सीरियसली वीडियो पॉज करके करता है, ठीक है, टाइम भी नहीं देना होता उसे, वो वीडियो पॉज करके करता है, बट मैं अच्छा हूँ थोड़ा, मैं टाइम दे देता हूँ, ठीक है, सो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज क्या है हमारे पास 45, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पता निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4, क्योंकि ए बी सी डी इज 4, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 180, क्या आएगा 180, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 180, ओके, सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम कर सकते हैं फॉर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास 180, अब क्या दे रखा है हमें, एवरेज दे रखी है अगेन, तो हम फिर से एवरेज लिखेंगे यहाँ पे, एवरेज दे रखी है हमें अगेन कितनी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, सो इससे पहले बाय डूइंग बिफोर डूइंग दिस हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, एक सेकेंड अभी बताता हूँ मैं क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, सो वी हैव टू डू वन मोर थिंग कि ये क्या है, ये 5 साल पहले की कहानी है, 5 years एगो की कहानी है, तो आफ्टर 5 years सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बिकम व्हाट, क्योंकि 5 साल क्या होंगे, सबकी एज बड़ी है, 5 साल पांचों लोगों की, क्योंकि एक्स भी जुड़ चुका है अब, तो 5 साल पांच लोगों की एज बड़ी है, सो 180 प्लस 5 इंटू 5 प्लस एक्स, एक्स कौन है ये, एज ऑफ एक्स, क्योंकि हमें एज ऑफ एक्स पता नहीं है, हमें निकालनी है, इसलिए हमने क्या किया इसे एक्स मान लिया है, और ये 5 into 5 क्यों किया, क्योंकि 5 लोग हैं ए बी सी डी ई सॉरी एक्स, ठीक है, तो 5 लोग हैं और 5 साल इनकी एज बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ एजेस इज 25 प्लस एक्स, सो 205 प्लस एक्स, ठीक है,
अब एवरेज एवरेज आपको, अब दूसरी कंडीशन दे रखी है आपको क्या, एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्या है हमारे पास, 49 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 205 प्लस एक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, मल्टीप्लाई करोगे आपको आएगा 245 इज इक्वल टू 205 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 40। सॉरी सही है, सॉल्व सॉल्व जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, सही रास्ते पे चल रहे हो, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, सही जगह पे हो, ठीक है, दोनों के लिए ही अच्छी बात है। सो 40 ईयर्स इज द आंसर, नथिंग टू वरी अबाउट, ओके, इफ यू आर देयर यू हैव एवरीथिंग प्लीज। और मैं भी क्या मतलब बहुत टीचर हैं, बहुत बहुत टीचर, आई एम नॉट लाइक अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड ओनली, ओके। सो जितना आता है आपको बता देते हैं हम जितना, ठीक है। तो ये था हमारा PCS का सवाल, इतना हार्ड नहीं था जितना सोचा जाता है, ठीक है। तो एवरेज हमारी, एवरेज का फॉर्मूला लगेगा, जैसे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज में 45 दे रखी है, जो नंबर ऑफ पर्सन थे उस टाइम पे वो 4 थे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया, 5 साल पहले की बात थी ये, ठीक है। अब क्या किया हमने, 5 साल पहले की बात थी, तो 5 साल बाद क्या होगा, जुड़ जा रहे हैं ना। सो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास 205 प्लस एक्स, ये फॉर्मूला लग गया एवरेज का, नो प्रॉब्लम इन दिस। कैन वी डू वन मोर, यस वी कैन डू वन मोर, सॉरी सेम क्वेश्चन अगेन, सो यस दिस इज योर होमवर्क, ओके। आई एम डूइंग दिस इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास वॉट एवर परसेंटेज कराएंगे शायद, शायद क्या कन्फर्म है कि परसेंटेज होगा अगली क्लास में, बट उससे पहले ये क्वेश्चन होगा, बिकॉज दिस इज द मास्टर पीस आई कैन से, ठीक है, भले ही SSC में PCS में नहीं है, बट येस इट इज़ द मास्टर पीस, ये कर दिया तो येस यू कैन डू एवरेज ऑलमोस्ट प्रॉपरली। सॉरी गाइस, ठीक है, सो दिस विल बी योर होमवर्क ओनली, होमवर्क, ओके। सो क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए मैंने आपको दिया है, तो नोट कर लो इसे या स्क्रीनशॉट लेना, जो भी लेना है ले लो, और मुझे प्लीज़ बता देना क्योंकि अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी, टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम लगा बिकॉज हम कुछ कर रहे थे सेटअप, दैट्स व्हाई। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द बैकग्राउंड प्लीज़ टेल मी, आई विल चेंज इट फॉर यू, ठीक है। सो गाइज वी विल एंड देयर, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन डेट मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ, ठीक है। सो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स और मेल मी इफ यू डोंट वॉन्ट टू कमेंट, ठीक है, मेल मी, नो प्रॉब्लम, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सेफ एंड बी सेफ।